हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कुकिंग चैनल पैन टू प्लेट में। जैसे कि गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है तो घरों में काफ़ी ठंडी ठंडी रेसिपीज बनाई जाती हैं और बच्चों के वैकेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं तो उनकी फरमाइशें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आज हम बहुत ही ईजी, लेस टाइम कंज्यूमिंग और कम प्रिपरेशन वाली गर्मी की रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्ट्रॉबेरी कर्ड पॉप्सिकल्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो डेफिनेटली आपको पता है कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन ऑन करना ना भूलिए डेली रेसिपीज अपडेट के लिए। तो चलिए झटपट बनाना शुरू करते हैं पॉप्सिकल्स। हमने यहाँ पे आधा किलो स्ट्रॉबेरी लिया है। स्ट्रॉबेरी को हमने पानी से साफ कर लिया है और स्ट्रॉबेरी के जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हमने काट लिया है। अब हम स्ट्रॉबेरी के चार लंबे हिस्से कर लेंगे काट के। तो हमने स्ट्रॉबेरी के चार हिस्से कर लिए हैं काट के। अब स्ट्रॉबेरी को हम ब्लेंडर की सहायता से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर की भी सहायता से ग्राइंड कर सकते हो। तो देखिए स्ट्रॉबेरी गाढ़ी हो चुकी है और इसका रंग भी काफी चटकदार हो चुका है। अब यहाँ पे हम चार चम्मच शहद डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अगर स्ट्रॉबेरी खट्टी है तो आपको शहद की मात्रा ज़्यादा डालनी होगी ताकि ये अच्छे से मीठा हो जाए। तो स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसे हम कुछ वक्त के लिए फ्रिज में रख देते हैं जब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। हम यहाँ पे मदर डेयरी दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 300 ग्राम है। ये हम बाउल में निकाल लेंगे। अब हैंड ब्लेंडर की सहायता से हम दही को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। तो दही बहुत ही स्मूथ हो चुकी है और क्रीमी हो चुकी है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून हनी डाल देंगे, यानी कि शहद डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी और दही का घोल दोनों तैयार हो चुका है। तो आगे की तैयारी करते हैं। तो हमने यहाँ पे पॉप्सिकल्स के मोल्ड लिए हैं। हम यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी डालेंगे मोल्ड में। तो सभी मोल्ड्स में हमने स्ट्रॉबेरी डाल लिया है। अब इसे हम बंद कर देंगे और करीबन आधे घंटे तक हम डीप फ्रीजर में इसे रख देंगे। तो आधा घंटा हो चुका है। मोल्ड को हमने निकाल लिया है फ्रिज से। अब जो दही का मिक्सचर हमने तैयार किया था वो हम डाल देंगे। अब मोल्ड को हम बंद कर देंगे और डीप फ्रीजर में 4 घंटे तक हम इसे फ्रीज करेंगे। तो 4 घंटे हो चुके हैं। तो देखिए स्ट्रॉबेरी कर्ड पॉप्सिकल्स तैयार हो चुकी है। हम इसे कुछ सेकंड के लिए पानी में डिप करके रखेंगे ताकि ये आसानी से निकल आए। तो फाइनली हम पॉप्सिकल्स को निकाल लेते हैं। वाओ सुपर, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अट्रैक्टिव सा लग रहा है। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है क्योंकि बहुत ही मिनटों में इसका मिक्सचर तैयार हो जाता है। तो इसे हम टेस्ट करके देख लेते हैं। वाओ डिलीशियस, स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आ रहा है और हनी की वजह से इसकी जो मिठास है काफ़ी बैलेंस्ड है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं बने हैं कि यूजली बन जाते हैं। तो इस गर्मियों में आप स्ट्रॉबेरी कर्ड यानी कि दही पॉप्सिकल ज़रूर बनाओगे। ये बहुत ही हेल्दी वर्जन है। हमने यहाँ पे शक्कर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मुझे यकीन है आपको ये हेल्दी वर्जन पसंद आया होगा। आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और आपका मूल्य फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ ब्यूटीफुल डे।